true. Where we are going? We're going to marathon. Marathon. So Orlando to marathon. Let's try. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड एंड आर्ट विथ नंदिनी। तो आज हम लोग जा रहे हैं मैराथन, तो ओरलैंडो से मैराथन, लेट्स ट्राई। तो चलो आप लोगों को भी मैराथन लेके चलते हैं और आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये ऑन द वे मुझे ब्यूटीफुल सा गिटार शेप में एक बिल्डिंग दिखाई दी, तो मैंने इसको कैप्चर किया। ये आई थिंक होटल कैसीनो कुछ है और बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम पूरा गिटार वाली शेप में बना हुआ था। वेयर्ड हो गया था, लाइक बहुत हैवी रेन हो रही थी एंड थंडर हो रहा था। वहाँ का वेदर ऑलवेज ऐसा ही होता है, समटाइम लाइक थंडर रेन देन अगेन ब्यूटीफुल सनी। सो नाउ वी आर लेंगे। यहाँ पे एक बीच में बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा बीच था, एने बीच समथिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, बहुत एकदम क्लियर वाटर था, बहुत सुंदर बीच था। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा बीच है। एने बीच रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पीछे रिसोर्ट में अच्छे से एंजॉय करने के लिए गए हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा पूल है और ये सी से बिल्कुल कनेक्ट है, तो एक नेचुरल पूल, स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, वो पूरा सी से, सी के अंदर ही है। तो आप देखिए, तो हम लोग अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सा व्यू था। यहाँ वाइट सैंड थी और ये इस तरह से रेस्ट करने के लिए बेड, स्विंग्स वो लगे हुए थे, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मैराथन रिसोर्ट, दिस इज द व्यू, लुक एट दिस बिहाइंड मी, ऑल सी, वी ऑलरेडी रीच्ड इट, सो वी आर ऑन द सी। और ये पीछे हमारे हमारा रिसोर्ट है, कितनी माय लिटिल वन से हाय, हेलो। तो अभी हम लोग पूरे रिसोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, तो उसका थोड़ा आनंद ले रहे थे। तो हम लोग यहाँ थोड़ा बैठे, रिलैक्स किया, थोड़ी सी फ़ोटो वोटो क्लिक करे हम लोगों ने और उसके बाद फिर हम लोग स्विमिंग के लिए गए। तो आप लोग भी देखिए। एक्चुअली मैराथन रिसोर्ट में बहुत सारी बड़ी बड़ी इगुआनाज हैं, वो ग्रीन कलर की, बहुत बड़ी बड़ी। तो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि, मैंने पूछा कि वो हार्म थोड़ी करती है, तो वो बोले कि नहीं, तुम स्केयर होते हो, वैसे ही वो भी स्केयर होती है तुमसे, तो वो हार्म नहीं करती है, वैसे से ही घूमती रहती है। आप कुछ खा रहे हो तो वो पास में आती है
इसलिए अवॉइड करते हैं कि आप उनको फीड ना करो, तो अपने आप खड़ी जाए पर वो बहुत बड़ी बड़ी इगुआना जैसे घूमती रहती है। छोटे छोटे से पेपर लिख रखे हुए होते हैं, पेन रखा होता है, उस पर आपको ऐसा लिखना होता है कि जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, लाइक कुछ भी बैड हो वो आप नहीं चाहते हो, तो वो उसमें लिख के आपको इस फायर में डालना होता है, ऐसा कुछ रिचुअल होता है। तो शाम को वो होता है, तो यहाँ पे सब लोग करते हैं। उसके बाद ये इस तरह से बड़े से पॉट जैसे होते हैं, उसके अंदर फायर लगी होती है और वो इस तरह से फ्लोट करती है इसके अंदर, सी के अंदर। तो शाम का यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, म्यूज़िक चलता रहता है, डांस करते रहते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है।